अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है, हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फाइबर पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका सेलर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि फाइबर पे हम कैसे एज ए सेलर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने ये सर्विसेज सेल करनी है, तो ऑब्वियसली हम इस पे सेलर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इधर हम बिकम अ सेलर आप ऑप्शन देख रहे हैं एक। ठीक है, तो बिकम अ सेलर पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर दो ऑप्शन देख रहे हैं आप, साइन इन और ज्वाइन का। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो साइन इन पे क्लिक करेंगे, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो नए पहला अकाउंट आप बना रहे हैं नया नया, तो आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अपनी ईमेल कंफर्म करें, तो इधर जो है हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आपके यूज़ में है, एक्टिव रहता है हर वक्त। ठीक है, तो इस पे ईमेल एड्रेस डाल के कंटिन्यू करेंगे। आगे ऑप्शन एक आ रहा है जी कि चूज़ द यूज़र नेम। इधर आप अपना यूज़र नेम लगाना है और इधर एक पासवर्ड आएगा। पासवर्ड में आपने 8 करेक्टर्स का एक पासवर्ड लगाना है जिसमें आपने नंबर्स यूज़ करने हैं और कम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है, मतलब कि बड़ी ए बी सी और छोटी ए बी सी जिसे हम कहते हैं, तो वो हमने नंबर्स के साथ मिला के अपना एक 8 नंबर्स करेक्टर्स का एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो मैं अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने पासवर्ड लगाया अपना, ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। तो इधर एरर आ गया क्योंकि मैंने अपर केस में सभी लेटर्स ऐड किए थे, तो इसमें अपर एंड लोअर केस दोनों मिला के साथ में नंबर्स भी होने चाहिए, अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ये मैं अपना दोबारा पासवर्ड रिसेट करके इसे ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट बन चुका है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, आप सेव करना चाह रहे सेव करें, नहीं करना चाह रहे ना करें। तो ऊपर टॉप पे देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आया कि अपना जीमेल अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, ये जी अकाउंट मेरा कन्फर्म हो गया है, जीमेल अकाउंट। तो इधर आप देख सकते हैं एडिट योर प्रोफाइल, अपनी अकाउंट को जो है अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है हमने। इधर आपने वो नंबर नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड में है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, ये आपके वेरिफिकेशन में मज़ीद आगे आने वाले दौर में हो सकता है आपसे अपनी आइडेंटिफिकेशन आपसे कंप्लीट मांगे। तो ये नीचे एक ऑप्शन है कि आप गो फॉर ऑनलाइन, कितनी देर के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जाना चाह रहे, क्योंकि अक्सर हम जो अपने पेशेंट्स के लिए ऑफ होना चाहते हैं, तो अगर आपने हमेशा के लिए छोड़ना, फॉर एवर पर क्लिक करें, अदरवाइज 1 एंड 2 आवर्स एज ए विश। सो सेव कर दीजिए, हम अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो अकाउंट डीएक्टिवेशन आ रही है, ये कुछ इनकी जो है रिक्वायरमेंट्स है, तो इसको इग्नोर करें। सिक्योरिटी पे चलते हैं जी। सिक्योरिटी पे आपका अपना पासवर्ड जो है, आप अगर पासवर्ड अपना रीसेट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इधर हम अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे। वो फ़ोन नंबर आपने लगाना है जो आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया होगा और आपके पास एक्टिव है। तो ये इधर मैं अपना फ़ोन नंबर लगाता हूँ। ठीक है, ये फ़ोन नंबर मैंने जो लगाया उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, हमने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। इधर जो है पिन आपने लगानी है। ठीक है, तो वो मैं अपने मोबाइल चेक कर दूँ अभी पिन लगा के, फिर हम इसे सबमिट कोड करेंगे। तो ले जी, मैंने अपना कोड सबमिट कर दिया और फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ओके करेंगे और नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये आपकी वेरिफिकेशन का ही एक पार्ट है कि आपने इधर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाना है। आप अपना कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, अपने पेट का, फिर फर्स्ट पेट का नेम लगा सकते हैं, पेरेंट्स का नेम लगा सकते हैं, और उसके बाद अपने फेवरेट फ्रेंड जो है आपका बचपन का दोस्त उसका नाम लिख सकते हैं, अपने एलिमेंट्री स्कूल का नाम लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट चूज़ करें जी। ठीक है, और इधर अपना फेवरेट क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर दिया है, ओके कर दिया है। तो नेक्स्ट हम पार्ट पे चलते हैं। ये आपका एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं अपना सिक्योरिटी जो आपने अकाउंट किया, आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इसे, मतलब आपका अकाउंट स्ट्रॉन्गली सिक्योर रहेगा। तो इधर जो है नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये आप
पांच बॉक्सेस देख रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस चेक करके रखने हैं आपने। अगर इसको एक भी आपने बॉक्स चेक ना किया तो फिर आपका जो है अकाउंट लॉस में जा सकता है। वो लॉस में कैसे जा सकता है कि अक्सर क्लाइंट आपको मैसेज करता है, आपको मैसेज रिसीव नहीं हो रहा होता, वो इसी वजह से रिसीव नहीं होता कि आपने ये चेक जो है चेक बॉक्सेस आपने चेक मार्क नहीं किए होते। तो इन सबको आपने चेक मार्क करके रखना है। तो ठीक है, तो ठीक है जी। अब इसमें मज़ीद अभी सेटिंग्स हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मज़ीद सेटिंग बताऊंगा। और अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिला तो आपको मैं गिग बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह कंप्लीट सीरीज़ पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको और भी जो है कंप्लीट सीरीज़ आपको मैं कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा कि अपनी फाइबर पे काम कैसे करना, ठीक है। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।